अचानक बिजनौर जिले में शाम के वक्त तेज बारिश व ओला पड़ने से खास तौर से तैयार गेहूं की फसल बुरी तरह चौपट हो गई। बिजनौर के अगर किसानों की बात करें तो 5 बीघे जमीन में किसान ने गेहूं की बुआई की थी, लेकिन अचानक ओला बारिश की वजह से फसल बर्बाद होने का असर साफ नजर आ रहा है। तकरीबन 60% फसल जमीन पर जा लदी होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। साथ ही किसान की माने तो बिना नुकसान के 1 बीघे जमीन में तकरीबन 4 क्विंटल के करीब गेहूं निकलता है, लेकिन इस बार ओला पड़ने से 1 बीघे जमीन से मुश्किल 1 क्विंटल ही गेहूं निकल पाएंगे। किसान इस नुकसान की भरपाई को लेकर सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगा रहे हैं ताकि वो अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर सके। नाम चंद्रपाल सिंह है। क्या हुआ किसानों के साथ? किसानों के साथ बहुत भारी नुकसान है। इस साल जितनी गेहूं की फसल थी इस समय सारी ही नष्ट कर दी गई है। बहुत तेज हवा, बहुत अधिक तूफान और बहुत मोटा मोटा ओला, यानी कि हमारी याद में भी आज तक ऐसा मोटा ओला नहीं पड़ा जितना आज पड़ा है। इससे किसानों को, हमारे भाइयों को बहुत भारी नुकसान है। हमारी ये सरकार से अपील है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद दी जाए, उनकी सहायता करें। क्या किसान अभी आसमान में बादल छाए? अभी बादल छाए हुए हैं, अभी ये नहीं कह सकते कि हो सकता है और भी 2-5 घंटे के भीतर और भी नुकसान हो सकता है। क्या मांग करते हैं आप? हम तो ये सरकार से ये उम्मीद चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल का मुआवजा दिला सके ताकि हम अपने बच्चों की पालन पोषण आसानी से कर सकें। क्या हुआ किसानों के साथ? किसानों के साथ इस ओला से और आंधी बारिश से बहुत नुकसान है। मेरी लगभग 20 बीघे गेहूँ खड़े थे जिसमें बहुत भारी नुकसान हुआ। तो गेहूँ की फसल के साथ साथ जैसे लेही और दूसरी फसलें लगी हुई थी सब नष्ट हो गई। बहुत भारी सब फसलों पे नुकसान है। किसानों को सरकार से अपील है कि किसानों का मदद की जाए। अब क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का मौसम है अभी? मौसम ये कह रहा है कि रात में और शायद बारिश होगी, जो बचा कुचा मामला है वो इसमें खत्म हो जाएगा। तो क्या गेहूँ की फसल पूरी तरह तैयार थी? गेहूँ तो कटाई पे था, बिल्कुल तैयार था सर। क्या किसान 2-4 दिन में गेहूँ कटना ही था बस। किस तरह की मदद सरकार से मांग करते हैं? बस यही है कि किसानों के लिए कुछ ऐसी योजना निकाली जावे जो गल्ले की भरपाई हो जाए, इस नुकसान की भरपाई हो।